हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एस के टेक्नोमेशन। तो मैं कुछ संडे है आज, तो मैं कुछ खास वीडियो आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ। तो ये खास क्या है, ये आप सबको ये न्यूज़ तो मेरे हिसाब से पता चली गई होगी कि जो AKTU है हमारा, वो जो BTEC के कोर्सेज़ हैं फर्स्ट ईयर को स्पेशली, वो अभी हिंदी में शुरू करने जा रहा है, इसी सत्र से ऐसा करने जा रहा है। सो मैं इस वीडियो में बस वही अपना पर्सनल ओपिनियन और आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या आप इस पर क्या आपका क्या टेक होगा कि हिंदी में शुरू करने जा रहा है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान, उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक दूसरा पॉइंट है कि जो AKTU के हमारे पूर्व वाइस चांसलर थे, वो जेल में क्यों जा रहे हैं भाई, उनका क्या कहानी है। सो ये दोनों बातें इस वीडियो में करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप मुझे आपका सपोर्ट मुझे भी दिखाई दे और आपकी भी जो हेल्प होती रहे और नए नए अपडेट्स मैं करता रहूँ और अपना नॉलेज आप तक शेयर करता रहूँ। चलिए बात करते हैं कि हिंदी में जो ये कोर्सेज शुरू कर रहा है AKTU, उसका क्या है, क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो सीधे पॉइंट पे ले चलता हूँ आपको। सबसे पहले उस आर्टिकल को ओपन करते हैं जिसका रेफरेंस मैं ले रहा हूँ, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। सो बेसिकली आप मेरी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होगे कि नाउ BTEC फर्स्ट ईयर कोर्स इन हिंदी टू एट AKTU अफिलिएटेड कॉलेजेस। सो बेसिकली क्या है, AKTU जो है, जो अपना BTEC फर्स्ट ईयर है, वो अब हिंदी में शुरू करने जा रहा है। मतलब इंग्लिश में तो था ही, हिंदी में शुरू करने जा रहा है। सो इसके बेसिकली सबसे पहले ना क्या बोलते हैं, एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, मतलब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं उसी भी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले फ़ायदा तो बेसिक सा है बिल्कुल, कि जो UP है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स आते हैं वो UP बोर्ड से आते हैं, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, UP बोर्ड से आते हैं। सो बेसिकली UP बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ये बड़ी कॉमन बात है। बहुत अच्छे स्कूल से होंगे तो ही उनकी अच्छी इंग्लिश होगी, नहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में जो उनकी इंग्लिश होगी वो अच्छी नहीं होती, मतलब उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्होंने शुरू से हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रखी है। तो ये अगर BTEC वो हिंदी में कर देंगे तो वो छात्र जो यहाँ आके मान लो पिछड़ जाते थे, उधर अच्छा टॉप अप कर रहे हैं, उधर अच्छे मार्क्स ला रहे थे क्योंकि हिंदी में लिखना पड़ा था, अभी इंजीनियरिंग में अचानक ही आते ही उनको इंग्लिश में लिखना पड़ रहा है, सो उनको प्रॉब्लम आती थी। तो वो तो एक एडवांटेज तो यही हो गया कि वो अब वो जो गैप था वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, कि हिंदी वाले भी अपनी मर्जी से हिंदी में आंसर कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो पहला एडवांटेज हो गया। अब दूसरा एडवांटेज की बात करते हैं, दूसरा एडवांटेज क्या होगा, तो दूसरा एडवांटेज ये है कि हमारी देखो ये नेशनल लैंग्वेज क्या हिंदी है, सो इस बहाने से चलो हिंदी प्रमोट भी तो हो रही है, अगर मतलब अभी हिंदी में अगर ये इनिशिएट कर रहे हैं कोर्स करना, सो बेसिकली क्या हो रहा है, हिंदी भी प्रमोट हो रही है, वो भी एक ग्लोबल लेवल पे, अगर उसको भी पहचान मिल सकती है इसके थ्रू, एक आखिर में अच्छे खासे 2-2.5 लाख स्टूडेंट हर साल पास होते हैं, तो 2-2.5 लाख लोग हिंदी में कोर्स करके निकलेंगे, तो थोड़ा सा हिंदी के लिए मतलब थोड़ा सा ये यहाँ पे वो हो जा रहा है। सो ये एडवांटेजेस की बात हो गई। इसके अलावा मुझे तो कोई एडवांटेज मतलब अभी याद नहीं आ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है एनालिसिस में मेरे। सो आपको अगर इन दोनों के अलावा क्या एडवांटेज आपको महसूस होता है, आप कॉमेंट्स में ज़रूर लिख के बताओ अपना राय कि आपको क्या इनके अलावा एडवांटेजेस दिखते हैं। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की, इसके नुकसान क्या क्या हैं। सो बेसिकली डिसएडवांटेज के ऊपर बात करते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान हैं, तो मुझे नुकसान ही ज़्यादा दिख रहे हैं सच बताऊं तो। पहला नुकसान कि अगर आप देखो कर तो रहे, चलो हिंदी में कर दिए कोई बात नहीं, हिंदी में कर दो, हिंदी में हेल्प हो जाएगी, लेकिन वो छात्र हिंदी में पढ़ लेगा, हिंदी में पास हो जाएगा, हिंदी में डिग्री ले लेगा, लेकिन नौकरी तो आप नहीं दे रहे हो ना AKTU में, ऐसा तो है नहीं कि नौकरी भी आप ही दे दोगे। सो नौकरी पाने के लिए यार इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी, ये तो मतलब मैं कॉरपोरेट में हूँ तो मुझे आइडिया है इसका। सो ये कोई फ़ायदा मुझे दिख नहीं रहा हिंदी में करने का, अगर आपको हिंदी ही अगर आपको लागू करना है चलो हिंदी, तो पूरे इंडिया में पूरी कंपनीज और सबके लिए लागू कर दो कि हिंदी में इंटरव्यू लें, हिंदी में सब कुछ करें, तो आपका ये जो ये इनिशिएटिव है हिंदी में करने वाला, मुझे तब एडवांटेजेस दिखेगा। इवन हिंदी में बताऊँ ना, ये आसान नहीं कर रहे हैं आपके लिए और मुश्किल कर रहे हैं, अगर आप हिंदी में पढ़ कर निकलोगे ना तो आपको सच में बता रहा हूँ ये ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा हिंदी में पढ़ के निकलोगे। तो उससे बेटर है कि इन 4 सालों में ही मेहनत करके इंग्लिश में सीख लो और इंग्लिश को ही सीख लो, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनियां हैं सारे इंटरव्यू सारी चीज़ें वो सारा इंग्लिश में होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है हिंदी में पढ़ने का भी, आप समझ ही नहीं पाओगे बाहर की दुनिया, मतलब अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप चाहे कितना भी चेंज कर लो, अगर करना ही है हिंदी तो पूरे लेवल पे करो, पूरे इंडिया में ही करो, एटलीस्ट इंडिया में तो जॉब ले पाएँ, पर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है अचानक करना। तो ये मुझे ना फैसला मुझे सच बताऊँ मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया जो ये हिंदी में शुरू कर रहे हैं। सो मेरी जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगा कि आप हिंदी में मत ऑप्ट करना, आप इंग्लिश में ही करो, वो बेटर होगा आपके लिए फ्यूचर के लिए। सो इंग्लिश में ही करो, हिंदी में करके कोई फायदा नहीं होगा, अभी आप पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स भी ला लोगे, बट वो फ्यूचर वाइज आपके लिए सही नहीं होगा। सो ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आपको क्या महसूस होता है सो आप अपना कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हो कि नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, या आपकी क्या राय हो इसके ऊपर, क्या आप मानते हो कि नहीं ये सही किया या गलत किया। तो ये मेरा राय था, मुझे नहीं लगा सही है आइडिया हिंदी में शुरू करने वाला। तो ये तो पहली बात हो गई जो मैंने वीडियो में कही थी कि अब हिंदी में कोर्सेज होंगे, सो ठीक है, पर जो मेरा राय था मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात की जो हमारे
जो हमारे एक्स जो वाइस चांसलर थे विनय पाठक जी, आपने वो न्यूज़ देखी होगी। अब बताओ जिस यूनिवर्सिटी के जो ये एक्स आपके ये शख्स दिख रहे हैं, ये एक्स वीसी, इन पे इतने चार्जेस लगे हैं, इन्होंने कितना नहीं, मतलब अगर इसमें से हम कह रहे हैं अगर अब इतने चार्जेस लगे हैं, मान लो लगा हुआ है, किसी ने लगाए हैं, तो कुछ तो सच होगा। मतलब अभी कोई प्रूफ नहीं हुआ कुछ, इनको जेल वेल तो नहीं हुई है, पर अगर कुछ भी सच होता है इनमें से तो कितने इन्होंने क्या क्या नहीं किया, मतलब सोचो कितने लेवल पर इन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रहे होंगे उस टाइम पर, भगवान ही मालिक है। सो ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मतलब इतना सारा इन्होंने स्कैम कर रखे हैं, इतने सारे पैसे खाए लोगों से, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए रिश्वत के रूप में, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 15 करोड़ रुपए की धनराशि, कितना सारा पैसा इन्होंने। तो अब ये वाइस चांसलर रह चुके हैं, आप सोचो उस टाइम पे इन्होंने क्या क्या स्कैम किए होंगे, कितने स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या हुआ होगा। तो ये तो हालत है, मतलब अभी इनका कोई प्रूफ नहीं हो रखा है, पर ये स्टिल मतलब जहाँ तक मुझे चांस है कि ये हो ही जाएंगे, प्रूफ तो हो जाएंगे, STF लगी हुई है तो इनका, मतलब आप सोच पा रहे हो कि क्या मतलब इनकी, जब जिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की ये हालत है, उनका खुद का ही मतलब कुछ अता पता नहीं है, अब उनको इतने चार्जेस प्रूफ हो रहे हैं। सो पता नहीं क्या क्या इन्होंने खिलवाड़ किए होंगे। सो चलो ये वीडियो में इतना ही था। सो आपको कैसा लगा, मतलब ये राय मुझे, मेरे ये पर्सनल ओपिनियन थे, मैंने जो दोनों वीडियो में बात की, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हाँ एक तरह से वो हिंदी वाली इन्फॉर्मेशन थी। सो स्टिल मुझे लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन था, और आपसे भी आपकी राय जानूं कि क्या आपको क्या लगता है ये हिंदी इंग्लिश वाला जो मैटर स्टार्टिंग था, और इस सेकेंड वाले पॉइंट पर अपने राय आप कॉमेंट में लिखो, ताकि मैं भी देखूँ कि क्या मतलब आप लोगों का क्या टेक है इस पर। सो इस वीडियो में इतना ही, ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो इस चैनल पे आपको हमेशा आपको AK ट्यूर बाकी जितने भी हैं उन सारी रिलेटेड आपको यहाँ पे अपडेट मिलती रहेंगी। और इवन मैं, मेरा अच्छा खासा AK ट्यू के साथ एक्सपीरियंस रहा है, मैं यहाँ का मतलब अच्छे खासे मैंने ग्रेड्स यहाँ लाए हैं। सो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स ये सब भी बता सकता हूँ, आप कैसे कॉपी लिखो और बाकी चीज़ें। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पे जेन्यून अपडेट्स आपको मिलेंगे, कोई फेक अपडेट्स मैं नहीं देता हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।